ये मेला निरंतर 9 दिन चलता रहेगा, आप लोगों के लिए ही मेला लगाया गया। संबंधित विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी की तरफ से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी आप लोगों से निवेदन किया है कि गेट के सामने से जो ये रास्ता आ रहा है, पाल जी, पिता का नाम स्वर्गीय राम अवतार पाल निवासी लियापुर, आज शिक्षा बहुत जरूरी है, समग्र तरीके से हम आप नहीं कर सकते, व्यवस्थित व्यवस्था देना है और अगर यूटीआर भेज दीजिए फिर पाली हिंदुस्तान का है, वो इसीलिए है कि सर्वस्व लुटाया भारत पर, सर्वस्व लुटाया भारत पर, राष्ट्रपति का जिक्र किया, ये बहुत ही वाराणसी में विराजमान विश्वेश्वरम माधवम दुंडिम बंद पाणी च भैरवम वंदे काशी गुहागंगा भवानी, सम्मानित अध्यक्ष द्वय आदरणीय श्री द्विवेदी जी और श्री जवाहरलाल जी, सदस्य अनिता प्रधान जी उपस्थित है, मैं आदरणीय का इस मंच के माध्यम से सब तक अभिनंदन वंदन, नागरिकों के श्रम का प्रतिफल है, उनकी विलक्षण क्षमता और प्रतिभा का द्योतन हो रहा है, इस प्रकार हमारा देश जो सभ्यता के ऊषा काल से ऋग्वैदिक काल से हमने पूरी दुनिया को यह दिया, जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति ग्राह शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति 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 श्यामा शांति, जय घोष, हम भारतवासियों ने किया। तो आइए अपनी संगीत पार्टी को हम 5 मिनट का और समय देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कोई कोई राष्ट्रीय स्टॉलों के माध्यम से जो हम किसानों तक इसको पहुँचाते हैं, जिसमें सबसे अभी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र ने एक नए चीज का इजाद किया है, जो हमारे किसान भाई आजकल बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, जिसमें जो कि आपके जंगली जानवरों और पक्षियों और नीलगाय की व्यवस्था की, उसके लिए हमने एक यंत्र बनाया है जो कि आवास का यंत्र है, जिसके द्वारा जो है जंगली जानवर और नीलगाय जो है वो हमारे किसानों के खेतों से जो है भाग जाते हैं। नाम बताते हैं, मैं 2-3 बार इस्तेमाल कर देने से वो कई हफ्ते तक जो है वो खाते हैं। नाम बता दिए, हमारा नाम जो है डॉक्टर एस डी मैकाटी, मैं प्रभारी कृषि विज्ञान के। वंदन करता हूँ माननीय मंत्री जी, किया गया है ये हम सब लोगों के लिए कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, उनको उनके उत्पाद को देखते हुए उनके उत्पाद को दुगना, इस पर तो सरकार केंद्रित है लेकिन किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर आप लोग, जो किसान बिल आए हैं वो किसानों के हित में है, कुछ लोगों ने उसके बारे में गुमराह करके और गलत तथ्यों के आधार पर लोगों से बातचीत करते हैं, ये कृषि मेला इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि किसानों को सभी योजनाओं की जानकारी दिया जाए, बड़े पैमाने पर जो है हम लोगों ने उन्नतशील बीज किसानों को उपलब्ध कराए हैं, साथ साथ में कृषि यंत्रों को उपलब्ध करा रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 2,35,00,000 किसानों के खातों में अब तक 27,000 करोड़ रुपये 2.5 साल के भीतर गए हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि जहाँ हमारे किसान बेहतर उत्पादन करें, अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, साथ साथ में उनकी खरीद की व्यवस्था को भी हम लोगों ने ठीक किया है और ये प्रयास किया है कि इन सारे सुविधाओं को किसानों तक पहुंचा सकें, इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें कैसे उन्नतशील खेती की जाई जा सके और तकनीकी से जोड़ा जा सके, उसके लिए हम किसानों को वैज्ञानिकों के साथ संवाद कराते हैं, योजनाओं की जानकारी देते हैं, उसका परिणाम यह है कि राज्य के भीतर कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित होने वालों किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने लगभग जो है वो प्रदेश के भीतर स्थापित किए, 1.5 लाख से ज़्यादा कृषि यंत्रों को किसानों के बीच में पहुंचाया है,
तो ये प्रयास इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। अभी एक विशेष अभियान पीएम किसान सम्मान निधि के खातों को ठीक किए जाने की दृष्टि से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। वो पहली फरवरी से लेकर के 3 फरवरी तक चलेगा, जहां प्रदेश के सभी विकास खंडों पर हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कंप्यूटर के साथ उपलब्ध रहेंगे, और जिन किसानों के आधार कार्ड या अन्य डाटा या नाम का मिसमैच हो रहा है उनको ठीक करने का वहां पर व्यवस्था किया जाएगा।